कौन बनेगा मंत्री, यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी हमने सवाल पूछा मनोज से कि मंत्रिमंडल में आखिर क्या नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। जो सूचनाएं आ रही हैं, झामुमो से दो नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं, वहीं कांग्रेस से तीन नए चेहरों के मंत्री बनने पर कम से कम माना जा रहा है कि आधिकारिक मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आ रहे। क्या पूरा मामला है, पहले देखिए कि क्या कुछ हुआ पूरे मामले में, पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, किसने क्या कहा, और जो सबसे गंभीर विषय है कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर, मंत्री के पद को लेकर कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह की शुरुआत देखी जा रही है। इरफान अंसारी ने भी दावा ठोक दिया था, उमाशंकर अकेला ने भी दावा ठोका है, कहीं ना कहीं 15 दावेदार है आधिकारिक तौर पर, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, प्रदीप यादव अभी भी जेवीएम लिखते हैं विधानसभा में, लेकिन 16 में से आलमगीर आलम मंत्री बन चुके हैं, तो 15 विधायकों में तीन मंत्री पद का बंटवारा होना है। कलह वाजिब है, कलह जायज है, योग्य कौन होगा इसकी दौड़ जारी है। देखिए पहले क्या है पूरी रिपोर्ट। मैं भी एक दावेदार हूं। अरे चाहेंगे क्यों नहीं। तीन मंत्री पद पर कांग्रेस के 16 दावेदार। कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हेमंत सरकार में थे कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री। लास्ट मुहर तो लगना है उसी दिन। चंपाई सरकार में मंत्री बन चुके हैं आलमगीर आलम। 16 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। इरफान अंसारी और उमा शंकर ठोक चुके हैं दावा। अब किसके सर पर सजेगा ताज। 16 फरवरी को चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पिछली बार की तर्ज पर कांग्रेस कोटे को 4 मंत्री पद मिलने की संभावना है। आलमगीर आलम मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में प्रदीप यादव समेत कांग्रेस के बचे हुए 16 विधायकों में से सिर्फ 3 को मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन वो 3 नाम कौन होंगे यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मंत्री पद पर दावा ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ बरही विधायक उमा शंकर अकेला ने भी ताल ठोक दी है। विधायक को सेकंड टाइमर विधायक को 18% में मां से जनाधार है, अगर आप मुझे देते हैं तो समाज को आप एक कर सकते हैं, मैं ठीक कर सकता हूं व्यवस्था। आप बड़े पत्रकार बनना चाहोगे कि नहीं, बताओ भाई। आप चाहेंगे तो हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई। आप बड़ा पत्रकार बनना चाहें, एडिटर बनिएगा, यहाँ से दिल्ली चल जाइएगा, तो हम लोग इतना नहीं जाएं। झारखंड में ज्यादा से ज्यादा 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन रघुवर सरकार के समय से ही एक मंत्री पद खाली रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार भी झारखंड में मंत्री का एक पद रिक्त रह जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि जो लोग कानून की दुहाई देते थे आज जुबान पर ताला लगा चुके हैं। रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार थी और 11 मंत्री थे, तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो प्रतिपक्षी नेता थे, हर एक सदन की बैठक में ये आवाज को उठाते थे कि 11 मंत्री क्यों है, 12 मंत्री क्यों नहीं है। वो तो इसे गलत करार करने के लिए कानून रूप से, संवैधानिक रूप से उच्च न्यायालय तक चले गए थे कि साहब इनके पास 12 मंत्री नहीं है। अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 4 साल तक 11 मंत्री पर चलती रही, और अब जो सूचनाएं आ रही हैं वो शायद फिर से 11 मंत्री या उससे भी कम हो सकते हैं, तो ये कथनी और करनी का भेदभाव क्यों। मंत्रिमंडल विस्तार में राहुल गांधी की झारखंड यात्रा भी बड़ी अहमियत रख रही है। राहुल गांधी के बाबा मंदिर में मौजूदगी के समय मोदी के जयकारे लगाने वालों को जिसका संरक्षण था उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगाने वालों के पीछे कांग्रेस के ही एक नेता का हाथ रहा है। जबल मिश्रा जी के ऊपर FIR किया है, पंडा धर्मरक्षणी के इलेक्टेड महामंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि पंडा समाज ने उनको महामंत्री बनाया है। वो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, यदि उनकी रिश्तेदारी किसी से है तो वो कांग्रेस के ही जो पूर्व मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, उन्हीं से उनकी रिश्तेदारी है। दूसरा, माननीय कृष्णानंद झा जी जो कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद भी हमने सम्मान के लिए उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल किया, वो आए भी, प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। उनको जो है राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में अंदर नहीं जाने देते हैं, उनके लोग हल्ला करते हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम कयासों के बावजूद
भीतर की कलह भी सामने आती जा रही है। इरफान अंसारी ने दावा कर डाला है कि हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से एक तरफ जहां जनता नाराज है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं। कयास तेज है कि आलमगीर आलम को छोड़कर बाकी के तीन मंत्रियों का कार्यकाल करीब करीब समाप्त ही माना जा रहा है। नए नामों पर चर्चा तेज हो गई, लेकिन कुछ नाम सुर्खियों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई कयास लगाए जा रहे हैं। जो सूचनाएं हैं मैंने पहले भी बताया, झामुमो से दो नए चेहरों पर दांव लगने जा रहा है और कांग्रेस पे तीन नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं, पुराने चेहरों को बदला जा सकता है। वैसे भी इरफान अंसारी ने साफ कह दिया था कि पुराने चेहरों से जहां एक तरफ कार्यकर्ता नाराज है, वही दूसरी तरफ जनता भी नाराज है। सीधा रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, मंत्रिमंडल विस्तार का समय आ गया है, 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या कैलकुलेशन है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कितने नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं? देखिए, 16 फरवरी को चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्यक्रम पहले से ही तय है। दोपहर 3 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जहां तक बात जी, विपिन बोले, आवाज आ रही है आपकी? जी देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो जिस तरीके से जब सरकार का गठन 2019 के चुनाव के वक्त हुआ था, तो उस वक्त ही ये फॉर्मूला तय किया गया था कि 4-4 विधायकों पर एक मंत्री राजनीतिक दल के हाथ आएगा। उस लिहाज से कांग्रेस के उस वक्त 16 विधायक निर्वाचित होकर आए थे, तो कांग्रेस को 4 मंत्रियों के का पद इस मंत्रिमंडल में मिला था। और अभी जब विस्तार की बारी आई है तो लगभग लगभग इक्वेशन वही होने के आसार नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन के साथ राजद कोटे से एकमात्र विधायक जो है सत्यानंद भोक्ता, वो शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस कोटे से कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, शपथ उनको गवर्नर ने दिला दी है। अब 9 बर्थ जो है वो झारखंड की कैबिनेट में खाली पड़ा है। संविधान जो कहता है कि जिस राज्य में विधानसभा की सीटें 100 से कम है, वहां पर कैबिनेट का जो कुल आंकड़ा है मुख्यमंत्री समेत वो 12 तक ही हो सकता है। तो ऐसे में बचे हुए 9 पद पर शपथ ग्रहण होगा या कुछ पद अभी भी रिक्त होंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट ना कांग्रेस ने की है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। लेकिन जो बातें छनकर सामने आ रही है कि समोता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 2 नए चेहरे कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। 12वां मंत्री भी इस बार झारखंड को मिल सकता है। जो बीते 9 वर्षों से झारखंड का कैबिनेट 11 मंत्रियों के साथ चल रहा था, उसमें ये आंकड़ा 12 तक जाएगा, इससे इस बार इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है कि इसको मंत्री बनाना होता है, लेकिन बात अगर जेएमएम की तरफ से करें तो संभावनाएं हैं कि 2 नए चेहरे आएंगे और पूर्व के जो मंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में थे जेएमएम उनको यथावत रख सकता है। अगर कांग्रेस की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा नजरें हैं कि कांग्रेस अपने बचे हुए 3 बर्थ, या फिर जो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 5वां बर्थ भी मांग सकती है, लेकिन अगर 3 बर्थ की बात करें तो ऐसे में जो दावेदार जिनके नाम की चर्चाएं लगातार हो रही है उस पर अगर बात करें तो इरफान अंसारी इस सरकार में मंत्री बनेंगे ये असंभव सा है, क्योंकि संथाल परगना से इरफान अंसारी भी आते हैं। आलमगीर आलम ने संथाल परगना से ही विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। अल्पसंख्यक कोटा आलमगीर आलम फुल कर चुके हैं, इसलिए अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी की दावेदारी यहां पर खारिज होते नजर आ रही है। कांग्रेस ने जो संकेत दिया है कि इस बार प्रमंडलीय समीकरण भी कांग्रेस साधेगी, यानी कि पिछली सरकार में जो पिछला कैबिनेट था हेमंत सोरेन का, उसमें संथाल से कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री थे, आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख। तो इस लिहाज से बादल पत्रलेख के मंत्री पद पे भी संकट नजर आ रहा है अगर कांग्रेस प्रमंडलीय इक्वेशन पर काम करती है तो। और जहां तक आदिवासी चेहरों की बात करें तो अगर रामेश्वर उरांव बदलने की स्थिति में आते हैं तो मनिका या खिजरी विधायक का नाम सबसे आगे आ रहा है कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में सरना को रिप्लेस सरना विधायक के जरिए ही करेगी, क्योंकि सरना धर्म कोड को लेकर जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस भी लगातार अपनी आवाज बुलंद करते आ रही है।
तो जो संथाल परगना से एक पद रिक्त होगा अगर बदलाव होता है, तो वैसे में इस मंत्री का दावा कांग्रेस की तरफ से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जाएगा जहां कांग्रेस के अभी 4 विधायक है। तो ऐसे में बादल पत्रलेख अगर रिप्लेस होंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर से जनरल कोटा फॉरवर्ड कास्ट को कांग्रेस मंत्रिमंडल में जगह देगी। तो दो नाम प्रमुखता से आते हैं, झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह। इस लिहाज से अगर प्रमंडलीय समीकरण को कांग्रेस दरकिनार करके महिला कोटा में आएगी तो कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप दीपिका पांडे की तरफ अपनी सहमति जता सकता है। तो और जहां तक बात प्रदीप यादव की करें, उनको भी लगातार दावेदार बताया जा रहा है। तो कांग्रेस कोटे से प्रदीप यादव के मंत्री बनने के बीच जो अड़चने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा है कि प्रदीप यादव सदन में अभी भी झारखंड विकास मोर्चा के विधायक के हैसियत से बैठते हैं। बीते दिनों जब सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कराया गया था तो उन्होंने ये कहा था, जो जानकार सूत्र हमारे बता रहे हैं, कि मुझे अभी JVM विधायक के रूप में मान्यता है, इसलिए मुझे हैदराबाद जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने समर्थन पत्र पे अपना हस्ताक्षर कर दिया है। ये लबोलुभाव है कांग्रेस की तरफ से मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार का। ये इस बात के संकेत मिले हैं कि कम से कम दो मंत्री कांग्रेस जरूर बदल सकती है, या फिर यह भी हो सकता है, और इस इक्वेशन से भी कोई इनकार नहीं कर रहा है कि मात्र 9 महीने का समय बचा है, सामने लोकसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस किसी विवाद को उत्पन्न होने से रोकने के लिए पुराने नाम पर भी अगर कदम आगे बढ़ा दे तो यह कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं होगा। अभिषेक, विपिन, भाजपा ने हमला बोल दिया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो जुबान खुलने लगी है कि राहुल गांधी की देवघर यात्रा के दौरान बाबा मंदिर के भीतर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे को नारे लगने लगे, जयकारे लगने लगे, उस मामले में हेमंत मिश्रा पर केस हुआ है जो बीजेपी के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, बीजेपी के नजदीकी नहीं, कांग्रेस के नजदीकी बताए जाते हैं, कांग्रेस के एक विधायक के, पूर्व विधायक के या पूर्व मंत्री कह लें, उनके करीबी माने जाते हैं। तो क्या ये भी वर्तमान जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार का समीकरण है उस पर प्रभाव डालने वाला है? देखिए, ये निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, उनका एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल बयान है। इस तरह की अब तक की कोई चर्चा राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर नहीं की गई है कि वहां पर नारा किसने लगवाया था, ये जांच का विषय था, और संभवतः प्रशासन ने वहां इस पर जांच के बाद कार्रवाई भी की है, FIR भी संभवतः दर्ज कराया गया है। तो बात अगर राहुल गांधी की है तो ये जरूर था कि राहुल गांधी को 14 और 15 तारीख को झारखंड में रहना था, पलामू में। यही वो बड़ी वजह थी कि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले थे कि राहुल गांधी के जाने के बाद का यह समय निर्धारित हुआ था। हालांकि पूर्व में 8 फरवरी को भी समय निर्धारित कर दिया गया था दोपहर के 2:30 बजे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की आपत्ति थी कि सिर्फ JMM कोटे के विधायकों को मंत्री पद की शपथ क्यों दिलाई जा रही थी, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता, इसलिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार उस दिन मुख्यमंत्री के आग्रह पर गवर्नर ने उसको स्थगित किया और फिर से 16 तारीख का समय दिया है। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है दावेदारों के लिए, राज्य के राजनीतिक जानकारों के लिए, कि मंत्रिमंडल में जगह किसे मिलेगी। कल संभवतः दूसरी पाली तक ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अभिषेक, निश्चित तौर पर विपिन, आपने ये बात भी बताई 12वें पद पर जो 12वां मंत्री का पद है वो रघुवर दास के सरकार के समय से रिक्त चला आ रहा है, अभी भी रिक्त है। आपने इशारा किया है कि कहीं ना कहीं झामुमो के कोटे से उसको भरने की पूरी कवायद की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। रहस्य क्या है विपिन, जो चर्चाएं तेज है कि मलाईदार विभाग बंटने के बाद 12वां पद रिक्त रह जाता है, कारण क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे की एक मंत्री पद का सीट रिक्त क्यों रख लिया जाता है? जी देखिए, अगर अभिषेक आप झारखंड के बीते 1.5 दशक के राजनीतिक समीकरण को देखेंगे, चाहे मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रहे हो तब भी उनका कैबिनेट पूरा नहीं था, अर्जुन मुंडा की सरकार हटने के बाद जब उससे पहले गुरुजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भी संभवतः स्ट्रेंथ पूरा नहीं था, रघुवर जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी 12वां मंत्री का पद रिक्त रखा। उसके पीछे भी एक वजह थी कि उस वक्त JVM से जीत कर आए 6 विधायकों को BJP में शामिल करा लिया
किया गया था, लेकिन एक विधायक के नाम पर उस वक्त के सरकार की सहयोगी आशु को कड़ी आपत्ति थी, जो कि आशु से जाकर जेवीएम के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। तो ऐसे में एक लॉलीपॉप रखा गया था रघुवर जी के वक्त भी उनके कैबिनेट में, कि अगर किसी तरीके का उठापटक या कोई गुंजाइश या फिर किसी को अगर प्रलोभन इस बात को लेकर देना हो कि खाली पद आपके लिए है, तो वो इक्वेशन उस वक्त रखा गया। उसी इक्वेशन को हेमंत सोरेन ने भी आगे बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस पांचवा मंत्री जो है वो मांग रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दावेदारों की फेहरिस्त लंबी थी, तो ऐसे में संभावित दावेदारों के लिए खाली पड़ा वो जो 12वें मंत्री का पद था, वो एक तरीके से अमृत का काम कर रहा था कि जब जरूरत पार्टी को या फिर सरकार को महसूस होगी तो उनको ये अमृत रूपी मंत्री का पद दिया जाएगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा रहा था। पूर्व में भी जब हेमंत सोरेन 14 महीने तक के लिए मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त भी उनके अधूरे मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी ने राजभवन तक का कूच किया था, और उस वक्त मुझे याद है रघुवर दास और सरयू राय ने इसे संविधान की धारा 56B का उल्लंघन भी बताया था, जो संविधान की धारा 56B कहती है कि 100 से कम सीटों वाली विधानसभा में मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत 12 होगा, और जिस राज्य में 100 या उससे ज्यादा विधानसभा की सीटें होती हैं वहां पर मंत्रिमंडल का कुल स्ट्रेंथ मौजूदा सीट के 15% होते हैं। तो इस लिहाज से ये पुरानी परिपटी आई चली आई है, और खाली पद को लॉलीपॉप के रूप में झारखंड की राजनीति में अक्सर रखा जाता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंची कि खाली पद लॉलीपॉप के रूप में रखा जाता है, लेकिन इस बार सरकार पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, तैयारी है, और ये भी न्यूज 11 बता रहा है कि संभवतः 12वां पद झामुमो के कोटे से भरने की तैयारी की जा चुकी है, नया चेहरा दिखाई दे सकता है। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।